आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द CH3CH2 एंड CH2CH3 या CH2CH और इस पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, राइट। तो सबसे पहले इस तरीके के कंपाउंड में आयुपेक लिखने से पहले हम इसको अच्छे से इसका स्ट्रक्चर लिख लेंगे। और हमें ये याद रखना है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो हमें ये ध्यान रखना है ऐसे स्ट्रक्चर लिखने में, CH2 देन CH, इधर एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन, राइट। CH2 देन CH3, इधर CH2 CH, देन CH3 and CH3, right? So, हम पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग हम इस कार्बन से शुरू करते हैं। इसको हम देंगे 1, 2, 3, राइट। अब इधर हमारे दो कार्बन है और इधर हमारे दो से ज़्यादा कार्बन है, तो हमें लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ही लेनी है। तो 4, 5 and 6, राइट। तो 6 कार्बन की हमारे पास चेन आ गई। सो अब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे सब स्टूडेंट कौन कौन से कार्बन पर आ रहे हैं। हमारे एक थर्ड कार्बन पर आ रहे हैं और एक फिफ्थ कार्बन पर आ रहे हैं। थर्ड कार्बन पर हमारा इथाइल है और फिफ्थ कार्बन पर हमारा मिथाइल। सो अगर हम अपना ये चेन चेंज करके देखें, अगर हम यहाँ से इस कार्बन को 1 देते हैं तो हम देखते हैं फिर क्या आते हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं वो के कौन कौन से कार्बन पर आ रहे हैं, एक तो हमारे फोर्थ कार्बन पर आ रहे हैं, फोर्थ कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और एक हमारा आ रहा है सेकंड कार्बन पर। तो एक सेकंड कार्बन पर आ रहा है और एक फोर्थ कार्बन पे, राइट। दोनों में लॉन्गेस्ट चेन 6 ही है, तो हम कौन सी प्रेफरेंस करेंगे। तो हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा लोअर नंबर मिलना चाहिए। सो लोअर नंबर कहाँ पर मिल रहा है हमें, इस वाली नंबरिंग पे जो मैंने कार्बन के नीचे लिखी है, हर एक कार्बन के नीचे। और ये वाली जो नंबरिंग है ये मैंने हर कार्बन के ऊपर लिखी है, जिसमें हमें ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट के। तो हम ये वाली प्रेफरेंस नहीं करेंगे, ये वाली करेंगे। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम नाम लिखें तो हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स पोजिशन 2 पर हैं और पोजिशन 4 पर। सो अगर हम इसका नाम लिखें, क्योंकि हमें एक इथाइल हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है और एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो हमें नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखनी चाहिए। सो सबसे पहले हम लिखेंगे इथाइल का, तो 4-ethyl, देन मिथाइल, मिथाइल का पोजीशन क्या है, 2-methyl, एंड नंबर ऑफ कार्बन इसके अंदर क्या है, 6, राइट। तो 6 के लिए क्या आता है, हेक्स, और क्योंकि ये एल्केन है तो एन। सो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हुआ, 4-ethyl-2-methyl-hexane। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।